हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों यदि आप भी गूगल फाइल में सेव फोल्डर पे अपने फ़ोटो वीडियो रखे हुए हैं और सेव फोल्डर का पासवर्ड भूल गए हैं और आप चाहते हैं कि आपका सेव फोल्डर में जो भी फ़ोटो वीडियो है आपको कुछ भी डिलीट ना हो और आपका सेव फोल्डर का पासवर्ड भी आप रीसेट कर पाएँ, तो किस तरह से आप सेव फोल्डर का पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे बिना कुछ डिलीट हुए जो भी आप रखे हुए हैं, तो क्या ये पॉसिबल है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो पहले तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, एकदम से क्लियर बात बताना चाहूँगा कि यदि आप जो भी सेव फोल्डर में चीज़ें रखते हैं वो गैलरी से भी हट जाता है और आपकी इस होम स्क्रीन से वो फोटो यानी गूगल फाइल के इस बाहर से भी ये फ़ोटो हट जाती है, वो सेव फोल्डर में लॉक हो जाती है। और जब आप सेव फोल्डर में लॉक लगा रखे हैं, जैसे कि हमने लॉक लगा रखा है, और यदि आप यहाँ पर पासवर्ड भूल जाते हैं, तो दोस्तों यदि आप पासवर्ड चेंज करने जाएंगे तो इसका पुराना पासवर्ड मांगता है, तो आप पासवर्ड जो है चेंज भी नहीं कर पाएंगे, पासवर्ड को रीसेट ही करना पड़ेगा। और रीसेट यदि आप सेव फोल्डर का पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेव फोल्डर का पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं। उसके लिए आप थ्री लाइन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे और सेव फोल्डर में जाएंगे, रीसेट सेव फोल्डर पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि यदि आप इसका पासवर्ड को देख सकते हैं, यू विल लूज़ ऑल फाइल करेंटली इन सेव फोल्डर्स एंड यू लॉक विल रीसेट। आपका लॉक रीसेट तो हो जाएगा बट आप जितना भी फोटो वीडियो रखे हैं वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा, यानी वो सारा डाटा आप डिलीट परमानेंटली हो जाएगा, आपका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, और आप चाहते हैं कि आप जो भी सेव फोल्डर में रखे हुए डाटा, जो भी फोटो वीडियो, आपका ये चीज़ें बच जाएं, ये चीज़ डिलीट ना हो, यदि आप ऐसा चाहते हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से आप सेव फोल्डर के फ़ोटो वीडियो को भी बचा सकते हैं और इसका पासवर्ड भी रीसेट कर पाएंगे और इसका फ़ोटो वीडियो भी बच जाएगा। कैसे बच जाएगा? तो जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ, इन सेटिंग को देख लीजिए, इन स्टेप्स को फॉलो कर लीजिए, 100% दोस्त मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी फ़ोटो वीडियो जो भी आप सेव फोल्डर में रखोगे वो डिलीट नहीं होगा। और आप पासवर्ड एक नहीं 1000 बार भी रीसेट कर दो तब भी डिलीट नहीं होगा। लेकिन बताइए सेटिंग को आप फॉलो करिए, करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर आप इमेजेस को रखना चाहते हैं, वीडियो को रखना चाहते हैं, कुछ भी रखना चाहते हैं यहाँ पर सेव फोल्डर में, तो सेव फोल्डर में मूव करने से पहले, ले जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कौन सेटिंग करना चाहिए, तो उसके लिए आपको दोस्त यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे कि हमें इन फ़ोटो को सेव फोल्डर में मूव करना है, ठीक है ना, इनको मूव करना, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे और देख सकते हैं थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, सेव फोल्डर में मूव करना है। उससे पहले मैं क्या करें ताकि दोस्त सेव फोल्डर का यदि पासवर्ड भूल जाएँ, फ्यूचर में कभी हम भूल जाएँ अपना पासवर्ड भूल जाएँ सेव फोल्डर का और रीसेट करें, तो हमारा फ़ोटो ना डिलीट हो, ना ही वीडियो डिलीट हो, जो भी आप रखें सेव फोल्डर में वो डिलीट ना हो, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए दोस्त मूव टू सेव फोल्डर के नीचे एक आपको ऑप्शन मिलता है बैकअप टू गूगल ड्राइव। अगर आप गूगल ड्राइव में इनका एक बैकअप क्रिएट कर दें, इनको बैकअप टू गूगल ड्राइव पहले करें, उसके बाद दोस्त आप सेव फोल्डर मूव करें, एक कापी आपको इन फोटो का एक कापी गूगल ड्राइव में आपका सेव हो जाएगा और दूसरा कापी आप सेव फोल्डर में मूव कर पाएंगे। तो यानी सेव फोल्डर मूव कर दोगे तो आपको गूगल फाइल से फोटो हट जाएंगी, गैलरी से भी हट जाएंगी, बट दोस्त गूगल ड्राइव में यदि आप बैकअप क्रिएट कर लेते हो तो एक कॉपी आपका गूगल ड्राइव में मिल जाएगा आपको, इन फ्यूचर कभी आपको काम पड़े इन फोटो का, तो इन फ्यूचर यदि आपको काम पड़ता है इन फोटो का, तो आप गूगल ड्राइव से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड करके गैलरी में ला सकते हैं। मान लीजिए दोस्त यदि आप इनका एक बार बैकअप क्रिएट कर देते हो तो फ्यूचर में कभी भी ये डिलीट नहीं होगी, फोटो मरते दम तक डिलीट नहीं होगी जब तक आप डिलीट ना कर दो गूगल ड्राइव से। तो दोस्त करना क्या है, तो उसके लिए सिंपल गूगल ड्राइव पर हम बैकअप टू गूगल ड्राइव पर क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्त मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी ये फ़ोटो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको गूगल ड्राइव कोई भी खोल कर देख सकता है, क्योंकि आप तो सेफ फोल्डर में रख रहे हो, तो आई होप आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल ड्राइव को आप लॉक लगा सकते हैं, गूगल ड्राइव को आप हाइड कर सकते हैं। अब आप कौन सा सेट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, आप यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए कि गूगल ड्राइव को आप हाइड कैसे कर सकते हैं अपने होम स्क्रीन से, या लॉक कैसे लगा सकते हैं, तो आप इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पर, अब क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पर हम आ गए, इन फोटो को हमें मूव टू सेव फोल्डर करना है, सेव फोल्डर में मूव करने से पहले आप बैकअप टू गूगल ड्राइव कर दीजिए, इनको गूगल ड्राइव में इनका हम एक बैकअप क्रिएट कर लेंगे, एक कॉपी हमारा गूगल ड्राइव में चला जाएगा। तो दोस्त होगा क्या, फ्यूचर में कभी भी हम सेव फोल्डर का पासवर्ड भूल भी गए, पासवर्ड हम रीसेट एक नहीं 100 बार भी कर दें तब भी हमारी फ़ोटो डिलीट नहीं होगी। तो दोस्त अभी प्रेजेंट में यदि आपने, जैसे कि जो फ़ोटो अभी मैं मूव कर रहा हूँ, यदि आप भी पास्ट में जो फ़ोटो मूव किए थे और अभी आप तो पासवर्ड भूल ही गए हैं, सेव फोल्डर का पासवर्ड अभी आप भूल चुके हैं, जैसे कि सेव फोल्डर आप अभी पासवर्ड आप भूल चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपको कुछ भी डाटा डिलीट ना हो, इस सेव फोल्डर का कुछ भी डाटा डिलीट ना हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोस्त आप पास्ट में यदि बैकअप क्रिएट नहीं किए होंगे, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको इमेजेस का बैकअप यदि आपने क्रिएट नहीं किया होगा गूगल ड्राइव में, जैसे इस तरह से मैं करने वाला हूँ, इस तरह से बैकअप टू गूगल ड्राइव में कर दूंगा और उसके बाद मूव टू सेव फोल्डर करूँगा, तो दोस्त हमारा सेव फोल्डर का पासवर्ड एक नहीं 100 बार रीसेट करूँ तब भी हमारा ये फोटो डिलीट नहीं होगा, गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। बट दोस्त यदि आपने ऐसा नहीं किया रहा होगा तो 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आप इसका पासवर्ड को रीसेट करेंगे, जैसे कि सेव फोल्डर का मैं पासवर्ड रीसेट करूँ,
हमें सेव फोल्डर का पासवर्ड हमें गलत मालूम है, इसका पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है और हम इसे चेंज भी नहीं कर पाएंगे, रीसेट करना लास्ट ऑप्शन रह जाएगा। तो यदि मैं इसे रीसेट करूँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ सेटिंग में मेंशन है, यहाँ पर सेव फोल्डर में जाते हैं तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। यदि आपने बैकअप नहीं बनाया हो, गूगल ड्राइव में बैकअप नहीं बनाया था, एक कॉपी बैकअप गूगल ड्राइव में नहीं भेजा था और आप डायरेक्ट सेव फोल्डर में मूव कर दिए होंगे, तो दोस्त 100% यहाँ पर रीसेट तो कर दोगे, आप रीसेट कर पाओगे, बहुत आसानी से रीसेट कर पाओगे। बट दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पुराना डाटा कंप्लीट हम लूज़ कर दिए, यानी कि डिलीट हो गया हमारा, तो इसे हम भी नहीं बचा पाए हैं, इसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन दोस्त यदि आप जो बताइए सेटिंग को फॉलो कर देते हो अभी से, अगर फ्यूचर में कभी गूगल फाइल आपको यूज़ करना हुआ और आप सेव फोल्डर यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्त आपको यही करना चाहिए कि एक गुड प्रैक्टिस है कि आप इसको जो है इनका बैकअप क्रिएट करिए गूगल ड्राइव में, उसके बाद इनको सेव फोल्डर में ले जाइए, बैकअप टू गूगल ड्राइव कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख जाता है और एक मेल आईडी दिख जाती है, बस कुछ नहीं सिंपल सा है, इस मेल आईडी को लिख के रखिए और इसका पासवर्ड लिख के रखिए और इस फोल्डर का नाम लिख के रखिए, ये दो फोटो आपकी यहाँ पे बैकअप टू गूगल ड्राइव हो जाएंगी। तो ये इसी फोल्डर में जाकर आपको गूगल ड्राइव में चेकआउट करना है, आपको ये फोटो मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं हम यहाँ पे सेव कर देंगे, ये बैकअप बनाना क्रिएट करना चालू कर दिया है, अब इन्हें आप मूव कर सकते हैं, अब इन्हें आप मूव कर दीजिए। फ्यूचर में आप कभी भी आपको मूव करना हो तो इसी तरह से करिएगा, पहले गूगल ड्राइव में बैकअप बना दीजिएगा फिर मूव टू सेव फोल्डर आप कर दीजिए। तो पहले इनको बैकअप कंप्लीट हो जाने दीजिएगा, बैकअप कंप्लीट हो जाए गूगल ड्राइव में, उसके बाद आप मूव टू सेव फोल्डर कर दीजिए। जैसे ही आप मूव टू सेव फोल्डर कर दोगे दोस्त, उसके बाद अब आप जो है इन फोटो को कितनी बार भी डिलीट करते रहो, मूव टू सेव फोल्डर करने के बाद मूव टू सेव फोल्डर में हो जाएंगी, आप सेव फोल्डर का पासवर्ड भूल जाते हो तो कितनी बार भी रीसेट करते रहो सेव फोल्डर को, अब आपका ये फोटो मिल जाएगा। लाइफ में कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आपको करना क्या है, बस आपको जाना है ड्राइव में, जैसे ड्राइव में जाएंगे, ड्राइव में आने के बाद फाइल में आएंगे और उसी फोल्डर को खोलना जिस फोल्डर में आपने बैकअप बनाया था, और उसी मेल आईडी को यहाँ पे देखना कि वही मेल आईडी है या नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर यदि वो मेल आईडी नहीं है तो दोस्त आपको मेल आईडी यहाँ पे डाल लेनी है पहले। उसके बाद दोस्त वही फोल्डर को चूज़ कर लेना है फाइल में, यहाँ फाइल में ऑप्शन में आके जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमारी वो फोटो जो भी आ गई वो फोटो, उसको आपको इस तरह से क्लिक करके आप इस तरह से डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, गैलरी में फिर से ले जा सकते हैं। तो दोस्त आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरह से दोस्त आप इसका जो है बैकअप क्रिएट करना होता है, किस तरह से आप सेव फोल्डर में मूव करने से पहले, सेव फोल्डर में लाने से पहले किस तरह से दोस्त आपको गूगल ड्राइव में बैकअप क्रिएट करना होता है। तो यदि आप गूगल ड्राइव में बैकअप क्रिएट किए रहे होंगे और सेव फोल्डर का पासवर्ड रीसेट कर देते हैं आप, तो आपको मिल जाएंगे गूगल ड्राइव में, लेकिन यदि आपने नहीं किया है तो फ्यूचर में ऐसी गलती ना करो। इसलिए दोस्त आप फ्यूचर में कभी फोटो वीडियो कुछ भी आपको सेव फोल्डर में लाना हो तो आप उसका पहले क्या करेंगे, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैकअप टू गूगल ड्राइव कर देंगे, बैकअप टू गूगल ड्राइव कर देंगे और मूव टू सेव फोल्डर उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर में कभी भी आपका ये डिलीट नहीं होगा। अब दोस्त गूगल ड्राइव का ऑप्शन ये रहता है कि यहाँ पे बाहर ही रहता है, तो इसको आप हाइड कर सकते हैं, आप सर्च कर लीजिए आपके डिवाइस के हिसाब से कि आपका जो भी डिवाइस है, कि जैसे रेडमी का तो रेडमी नोट 10 में आप गूगल ड्राइव को हाइड कैसे कर सकते हैं या लॉक कैसे लगा सकते हैं, तो आप लॉक लगा दीजिए, हाइड कर दीजिए, तो गूगल ड्राइव किसी को नहीं दिखेगा। अब जाहिर सी बात है आप सेव फोल्डर में कोई फोटो रख रहे हैं तो कोई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फोटो होगी, तो अब आज के बाद आप कभी भी सेव फोल्डर का यूज़ करें फ्यूचर में तो उसका बैकअप टू गूगल ड्राइव कर दीजिए एक कॉपी, ठीक है ना, क्योंकि सेव फोल्डर का पासवर्ड आप कभी भूल सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं बैकअप टू गूगल ड्राइव हम कर दिए थे उतने टाइम, तो यहाँ पर आपके सामने एक मेल आईडी आती है और लेटेस्ट वन आता है। आप चाहें दोस्त यहाँ पर आप चाहें तो एक दूसरा मेल आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से एक दूसरी मेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो मेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन है, जितनी भी मेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन है वो मेल आईडी कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर एक फोल्डर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जाएंगे देख सकते हैं, और अपने ड्राइव की कोई भी एक फोल्डर दूसरा फोल्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं मैं इस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे से देख सकते हैं ये फोल्डर आ चुका है, अब सेव करेंगे तो इस फोल्डर में सेव होगा। और जब हम गूगल ड्राइव ओपन करेंगे इन फोटो को हमें ज़रूरत पड़ेगी कभी फ्यूचर में, तो गूगल ड्राइव ओपन करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप जाएंगे और यही मेल आईडी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर देंगे, पहले इस मेल आईडी को इस प्रोफाइल में यहाँ पर क्लिक करके वो मेल आईडी चूज़ करिए, जो मेल आईडी वहाँ पर आप बैकअप बनाए हैं, और उस फोल्डर को खोल लीजिए, जय इंटरप्राइजेस पर है, इस जय इंटरप्राइजेस को खोल लीजिए, आपको अपनी फोटो मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लीजिए। बस यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप सेव फोल्डर के पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, और रीसेट करने के बाद भी आपकी फोटो वीडियो बची रहेंगी, डिलीट नहीं होगी। अदरवाइज दोस्त यदि आप बैकअप क्रिएट नहीं करते हैं, सेव फोल्डर में रखते हैं कोई फोटो वीडियो, बैकअप क्रिएट नहीं करते हैं पहले सेव फोल्डर में लाने से पहले, तो 100% वो डिलीट हो जाएगा, परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और रीसेट तो हो जाएगा पासवर्ड। थैंक यू, चैनल विजिट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।